फ्री फायर गेम 12 फरवरी से प्ले स्टोर एंड एप स्टोर से गायब है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है सरकार ने 50 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जिसमें से एक फ्री फायर गरीना फ्री फायर गेम अचानक से 12 फरवरी से प्ले स्टोर एंड एप स्टोर से गायब हो गया। अभी तक इस संबंध में गरीना फ्री फायर की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। नेटिजनों के मुताबिक सरकार ने 50 एप्लीकेशन को बैन किया है, जिसमें चाइना का भी कुछ एप्लीकेशन शामिल है। साल 2022 में ये पहला मौका है जब सरकार ने एप्लीकेशन को बैन किया है। इस तरह से साल 2020 से अब तक ले 270 एप्लीकेशन को बैन किया जा चुका है। और गाइस आप लोग को बता दूं, 12 फरवरी से गरीना फ्री फायर का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर गायब है, लेकिन अभी भी फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पर है लेकिन ऐप स्टोर पर नहीं है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या पबजी मोबाइल वाला हाल फ्री फायर के साथ भी होगा? और गाइस जो सरकार ने सभी एप्लीकेशन को बैन किया है उसमें गरीना फ्री फायर का भी नाम है। और गाइस यही रीजन है कि फ्री फायर को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया और एप्पल स्टोर से भी रिमूव कर दिया गया है। और गाइस अभी तक ले गरीना इंटरनेशनल और ना ही प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर की तरफ से कोई जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में बैन किए गए एप्लीकेशन की लिस्ट में साल 2020 में बैन किए गए एप्लीकेशन का क्लोन भी शामिल है। एंड गाइस ध्यान दें कि 2020 में सरकार ने टिकटॉक, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल सहित कई एप्लीकेशन को बैन किया था। हालांकि पबजी मोबाइल ने BGMI करके भारत में एंट्री ली, लेकिन अभी भी पबजी लाइट बैन है। जिन लोगों को फोन में फ्री फायर पहले से ही मौजूद है और वह इसे बिना किसी दिक्कत के खेल सकते हैं, बस आप लोगों के पास एयरटेल का सिम नहीं होना चाहिए। एयरटेल का सिम में अभी दिक्कत आ रहा, फ्री फायर नहीं चल रहा। और गाइस ऐसे तो मैं फ्री फायर नहीं खेलता, मैं पबजी लाइट खेलता हूँ, पबजी लाइट भी इंडिया में बैन है। और गाइस कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि दिन रात फ्री फायर खेलते थे, एंड गाइस उनको पता होगा उनका गेम बैन हुआ है तो उनको कितना ज्यादा दिक्कत है। जैसे मैं पबजी लाइट दिन भर खेलता था, लेकिन फिलहाल के लिए अभी पबजी लाइट बैन है। और पबजी लाइट जिस दिन बैन हुआ था उस घड़ी मतलब क्या ही बोलूं। अब बात कर लेते हैं क्या फ्री फायर फिर से अनबैन हो सकता है। तो गाइस बिल्कुल फ्री फायर फिर से अनबैन हो सकता है पबजी मोबाइल जैसा, BGMI जैसा। और गाइस इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे बंदे फ्री फायर खेलते हैं, इसलिए गरीना जरूर से जरूर अनबैन करवाने का कोशिश करेगा। खैर आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो देर किस बात का सब्सक्राइब बटन दबा देना। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।